नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ दिल्ली से हेमराज जी जुड़े हैं। आवाज हेमराज बंद जी, हो आपका रही। बहुत बहुत स्वागत है। आवाज नहीं आ रही गोविंद जी। नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। और हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं हेमराज जी, का बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है अपनी कहानी अपनी जुबानी। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपका जन्म कहाँ हुआ, आपकी स्कूलिंग एजुकेशन कहाँ हुई और इस फील्ड के प्रति आपकी रुचि कैसे बढ़ी। हाँ देखिए, मेरी स्कूलिंग दिल्ली से ही हुई है। मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ और मेरी जो रुचि है वो बचपन जी से ही मेरी पेंटिंग में रुचि है। जहाँ तक मेरी मेमोरी जाती है वहाँ तक मैं देख पाता हूँ कि मेरी जो मेमोरी है उसके अंदर पेंटिंग करता हुआ ही मैं अपने आप को पाता हूँ। जी आपका जन्म स्थान कहाँ? ठीक है, मेरा जन्म दिल्ली में ही हुआ है। ओके दिल्ली में एक जगह है, जगह का नाम है खुरेजी। तो दिल्ली के ओके प्रॉपर ओके लोग हैं वो गांव में बसे हुए थे, तो एक गांव है खुरेजी, मैं वहां का हूँ जी। जी। तो आप दिल्ली में ही पले बढ़े हाँ जी, और आपके घर में कोई कलाकार थे या कोई ऐसे टीचर जिनने आपको प्रेरित किया हो इस फील्ड के लिए? नहीं घर में मेरे कोई आर्टिस्ट नहीं है, लेकिन मेरे एक टीचर हुआ करते थे भगवान दास, जी वो मुझे फाइन आर्ट सिखाते थे, तो उनको मेरी पेंटिंग बहुत अच्छी लगती थी। वो बोलते थे कि हेमराज आप आर्टिस्ट बनिए, बीएफए करो। ओके तो उन्होंने बीएफए का आइडिया उन्होंने ही मुझे दिया और मुझे लगा ठीक है मैं आर्टिस्ट बनता हूँ। मैंने पिताजी को बोला पिताजी मेरे को आर्टिस्ट बनना है, तो वो जी हनुमान की पूजा करते हैं और मैंने उनके हनुमान की फोटो के ऊपर बीएफए लिख दिया मार्कर से, ओके और जब भी वो हाथ जोड़े उनको बीएफए नजर आए। जैसे ही मैंने 12th पास की वो मेरा हाथ पकड़ के ले गए, बोले जो वार्ड चलो एडमिशन दिलाते हैं, और मेरा ओके फॉर्म भरा, एंट्रेंस हुआ और पहली बार में मेरे को वहां पर एडमिशन मिल गया था। ओके ये कौन से सन की बात है? ये 87 ओके 1987 जी, और फिर मास्टर्स भी आपने वहीं से किया? फिर मास्टर भी मैंने वहीं से किया। मेरे को बीएफए फोर्थ ईयर, मतलब बीएफए में मेरे को फर्स्ट प्राइज मिला था, तो मेरे को ओके कंटिन्यू एमएफए में एडमिशन मिल गया, वरना एग्जाम से नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। ओके तो ऐसे कॉलेज में उस समय आपके कौन से शिक्षक थे जिन जो आपको सिखाते थे व जिनके चीजों से आप प्रेरित हुए? जो मेरे बीएफए में टीचर रहे हैं काफी अच्छे मेरे प्रोफेसर थे वहाँ पर, मिस्टर राजेश मेहरा, प्रोफेसर ओपी शर्मा और जीरा चौधरी, प्रोफेसर विजय मोहन, बहुत अच्छे मिस्टर जय झरोटिया, बहुत अच्छे टीचर मेरे रहे हैं। काफी लोगों से मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा ओके जी। नहीं वाकई, तो हम एक काम ये करते हैं, आपके काम के स्लाइड शो के साथ बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। और जैसे जी बेसिकली होता है कि कॉलेज में एक एकेडमिक दौर में फिगरेटिव व ऑब्जेक्टिव इस तरह की चीजें होती हैं, तो शुरू में आपने भी वो चीज की होंगी और धीरे 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 आप अमूर्तन की ओर आगे बढ़े, तो उसके पीछे क्या रीजन था वो हम जानना चाहेंगे। पहले मैंने काफी फिगरेटिव काम किया है, कॉलेज में भी मैंने काफी फिगरेटिव काम किया, जो एकेडमिक था, पोर्ट्रेट और लाइव ड्राइंग, लैंडस्केप जी वगैरह, और मेरी कॉम्पोजिशन भी पहले काफी फिगरेटिव और रियलिस्टिक थी, मगर धीरे धीरे जी धीरे धीरे वो अपने आप ही गायब होती चली गई। फॉर्म रियलिस्टिक फॉर्म थी वो सेमी एब्स्ट्रैक्ट, और एब्स्ट्रैक्ट से फिर वो एब्स्ट्रैक्ट में आ गई। कब मैं धीरे धीरे ओके एब्स्ट्रैक्ट में आ गया मुझे पता ही नहीं लगा, मैं इसको अपनी ओके ग्रोथ ओके बोलता हूँ। तो जैसे ये जो आपके अभी जो सीरीज पे आप काम कर रहे हैं, तो उसके इंस्पिरेशन आपको कैसे मिलते हैं? नेचुरल प्रकृति से या कुछ लाइन ड्राइंग? कभी कभी ऐसे दिखते हैं, जब से हम लाइंस देखते हैं तो हमें कहीं ना कहीं फिगर्स के वो छोड़े हुए लाइंस दिखते हैं अभी भी, तो क्या वो उस तरीके से है, आप उसको किस तरीके से देखते हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कुछ बनाने की उसके अंदर कुछ फिगर बनाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मेरी पेंटिंग्स को मैं मानता हूँ कि मेरी पेंटिंग जैसे आप उसको देखते हो, पेंटिंग को वो भी आपको दिखती है,
बिल्कुल आप पेंटिंग को देख रहे हैं और पेंटिंग आपको देख रही है, और पेंटिंग धीरे धीरे आपका ही रूप जो आपको पसंद है वो बन जाती है। तो जैसे आप बिल्कुल खुद है वो पेंटिंग, आपको वैसे ही खुद नजर आने लगती है। जो मेरी पेंटिंग का बिल्कुल जो उसमें वो मतलब चीजें नई देखने मिल सीरीज जाती कर हैं। रहा जी, नहीं वाकई वो चीजें उसमें दिखने लग जाती हैं, आप व्यूअर्स के हिसाब से भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं, आप जो भी चीजें इमेजिन करोगे आप उसमें वो फील करने लगते हैं। हाँ जी। तो मैं ये चीज जानना चाहूंगा कि जैसे रंगों का चुनाव आप कैसे करते हैं, क्योंकि बेसिकली जो अमूर्तन में रंगों का ही एक अनुपात ये सारी चीजें ध्यान रखा जाता है, तो उसका चुनाव आप कैसे करते हैं? देखो पहले तो मेरे को कुछ रंग पसंद थे, कुछ खास रंग थे मेरे, ब्लू और रेड, इनको मैं जी काफी इस्तेमाल करता था, मतलब मेरे फेवरेट कलर थे ये सब। लेकिन धीरे धीरे मुझे मालूम चला कि मैं दूसरे रंगों को उतना अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था जितना मैं इन दोनों रंगों को इस्तेमाल कर पा रहा था। तो मुझे लगा कि उनके कलर के साथ ज्यादती हो रही है, तो धीरे धीरे मैंने सारे कलर को अपना फेवरेट कलर बनाया। कि अगर मतलब जैसे हम वाकई बोलते हैं कि हम ब्लू बोलते हैं, तो इसके साथ में इससे ये भी मालूम चलता है कि आपको फिर रेड इतना पसंद नहीं है, रेड का बिल्कुल आप इस्तेमाल वैसे नहीं कर पाएंगे जितना ब्लू का कर पाएंगे। तो धीरे नहीं, धीरे इस मैंने चीज का अपनी तो चॉइस मेरे पास बिल्कुल छोड़ दी है, अब मैं बिल्कुल इस कलर चीज के का मामले में चॉइसलेस। बिल्कुल मेरे पास इस चीज का एक पहला एक उदाहरण कलर है। दिखाया जी। एक उदाहरण ऐसा है कि मुझे लेमन येलो पसंद नहीं था, तो मुझे एक दिन वासुदेवन अक्कीतम सर ने बोला कि जो कलर तुम्हें पसंद आते हैं नहीं आते हैं वो कलर लगाओ। तो मैंने लेमन येलो से शुरू किया और वो धीरे 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 कैनवास की जो मोटाई है ना वो 3-4 mm की हो गई, इतना लेयर लगाया उसपे। तो वो चीजें होती हैं, मतलब सर लोग आपको किस डायरेक्शन में भेजते हैं आपके चीजों को ही वो कुरेद कर बाहर निकालते हैं और उसको आपके सामने रखते हैं। तो ये इस चीज को जो आप फॉर्म क्रिएट करते हैं उसको आप किसी चीज से रिलेट करते हैं या जस्ट आप रैंडम कैनवास पे प्ले करते हैं, कैसे शुरुआत करते हैं आप एक काम का? को एक कैनवस पर एक ब्रश स्ट्रोक से शुरुआत होती है पेंटिंग्स की मेरी। फिर जी जहां पर वो ब्रश स्ट्रोक्स लगाया है, फिर वो ब्रश स्ट्रोक्स ही आगे गाइड करता है कि अब दूसरा स्ट्रोक्स कहाँ लगेगा, जी और वो धीरे धीरे पेंटिंग अपने आप ही ग्रोथ करने लगती है। सारे पेंटिंग फिर मैं कुछ नहीं करता, फिर पेंटिंग ही मुझे बताती है कि आगे अब क्या करना है, कौन तो सा कलर ये लगाना जो है, कौन सा टेक्सचर लगाना है, क्या परफो परपोर्शन होगा, क्या रिदम होगा, क्या टोन होगी, वो सब कुछ वो पहला जो स्ट्रोक्स मैंने लगाया था कैनवस पर वही सारा डिसाइड करता है। वो स्ट्रोक आपका था, बाकी सब पेंटिंग का। बस वो मेरा अपना होता है, बगल वो कभी कहीं लग सकता है, कभी कहीं लग सकता है, और किसी भी रंग का वो हो सकता है, बिल्कुल, तो जैसे कि आप संवाद वो की अपना बात कर होता रहे है, हैं, बाकी अपना कुछ चलता नहीं पेंटिंग के ऊपर। हाँ ये एक एक चित्र के साथ कितना संवाद जरूरी है। जैसे एक एक जब हम चित्र गढ़ना शुरू करते हैं या चित्र हमसे वो खुद ये करते हैं, तो इसके बीच में जो संवाद होता है चित्र और कलाकार का वो कितना जरूरी है? देखो संवाद, अगर हम पेंटिंग को छोड़कर बैठ जाएं तो संवाद होता है, लेकिन जब हमारी पेंटिंग चल रही होती है, बड़ी मेरी पेंटिंग बहुत स्पॉन्टेनियस पेंटिंग है, मतलब मैं अपनी पेंटिंग में जो ट्यूब है, पेंटिंग जब मैं करता हूँ तो ट्यूब भी मैं खोल के रखता हूँ कि कहीं इतना गैप ना हो जाए कि मेरी पेंटिंग निकल जाए। सारा कुछ तैयार करके रखता हूँ, कैनवास के बराबर में कि रंग खुले हुए हो, ब्रश हो, केरोसिन हो, सारा कुछ एकदम तैयार, कहीं जी ढूंढना पड़े एकदम, वरना मेरी पेंटिंग्स निकल जाती है। बहुत ही स्पॉन्टेनियस पेंटिंग है, उसमें संवाद करने का टाइम ही नहीं है, पर वो एक वो इतनी विजुअल तेजी से। कम्युनिकेशन तो और होता होगा ना, जी जो एक विजुअल कम्युनिकेशन होता है, जैसे आप जब देखते हैं काम को सामने रखते हैं या लिटा के आप काम करते हैं, तो जब आप देखते हैं तो वो कम्युनिकेशन तो होता होगा, विजुअल कम्युनिकेशन। नहीं, कोई कम्युनिकेशन तब नहीं होता जब पेंटिंग चल रही होती है,
पेंटिंग बिल्कुल कॉन्शियस पेंटिंग है, कुछ कम्युनिकेशन नहीं, सिर्फ अपने आप ही सब कुछ ऑटोमेटिक चल रहा होता है। मैं ओके कुछ कर नहीं सकता, कोई संवाद नहीं, कुछ बातचीत नहीं, कुछ नहीं, एकदम बिल्कुल जैसे घोड़, एकदम जैसे बादल चल रहे हैं रहा, अंधाधुंध। बिल्कुल हो रहा है ऐसा। जी ओके तो मतलब पहले से तय कुछ भी नहीं होता है कि मुझे आज ये कलर लगाना है। नहीं, कोई तय नहीं होता, कुछ नहीं। ओके शुरू में हम लोग करते थे, हाँ कॉलेज टाइम में करते थे, लेआउट बनता था पहले, कलर स्कीम बनती थी, उसके टोन निकाले जाते थे, लेकिन अब स्पॉन्जस पेंटिंग होती है, उसमें कुछ पहले बनाने की जरूरत नहीं पड़ती मुझे। अच्छा, लेआउट का एक चीज है, हम मैंने बहुत सारे कॉलेजेस में देखा है कि पहले लेआउट बनाते हैं फिर उसका फाइनल ये होता है, ये कितना इम्पोर्टेंट है। देखो, इसके बारे में मेरे एक प्रोफेसर थे मिस्टर पीएन मागो, जी वो हमारे गुरुओं के भी गुरु थे, मतलब राजेश मेहरा सर के भी वो टीचर थे, ओके ओके और राजेश मेहरा सर मंजीत बाबा, जय झिरोटिया सर, इनके टीचर थे, मतलब वो उनके भी टीचर, राजेश मेहरा सर के। वो बोलते हैं लेआउट के बारे में, वो जी हो सकता है स्टूडेंट लाइफ के लिए जरूरी हो। वो बोलते कि जी लेआउट वैसा है, जब हम लेआउट करते हैं तो हम जैसे हम बालू को छान रहे हैं, हाँ और छानते छानते उसके अंदर कुछ मिल जाता है, तो लेआउट बनाने से पहले से हमें कुछ मिल जाता है, जी पहले से हमें मिला हुआ है। बिल्कुल और कुछ लोग बोलते हैं कि भाई लेआउट बनाना मतलब, तो पहले लेआउट बनाओ फिर उसको पेंटिंग में लेके आओ, वो लेआउट की कॉपी है, वो कॉपी पेंटिंग हो गई। नहीं, कई बार होता है जैसे यहाँ बड़ौदा में देखे तो लेआउट का जो प्रचलन है वो नहीं है, वो सीधे आप जो कर रहे हैं आपको उसी में गाइडेंस मिलेगा, आप उसी में आगे बढ़ते हैं, इस तरीके से होता है। अच्छा, ये जो काम देख रहे हैं हम, ये कौन से सन का काम है? ये भी नया काम है, 2020 का है, ओके ये इंटरनल रेमिनिसेंस 2.0 का ही काम है ओके और ये मतलब ये ये, लॉकडाउन के प्रोसेस पर है। 3x5 फीट का है। जी, ये लॉकडाउन के टाइम का है। लॉकडाउन के टाइम का है, सही कह रहे हैं। ओके तो लॉकडाउन में तो फिर आपने बहुत सारे काम किए होंगे, क्योंकि वैसे भी सभी कलाकार तो लॉकडाउन एकांत के प्राणी होते ही हैं, में तो बहुत काम किया, उसका बहुत यूटिलाइज टाइम आपने मिला कैसे मुझे किया? लॉकडाउन पे। लॉकडाउन ये घर कौन से से समय निकलना का नहीं काम? होता था, ये काफी पुराना काम है मेरा, लगभग ये होगा 2005 के आसपास का काम। अच्छा, कभी कभी ये ऐसा थ्री होता बाई है सिक्स जैसे जी शुरुआती समय में जब कॉलेज से निकलने के बाद आप कोई किसी कलाकार के कामों से आप प्रभावित कभी हुए? पहले मैं बहुत लोगों से प्रभावित रहता था, जी बहुत ज्यादा इसका कैंडेंस की, मीरो, इनसे मैं रोज को, इनसे मैं काफी प्रभावित था, पॉल किली, लेकिन ओके धीरे धीरे सब लोग छूटते चले गए, सब फिर अपना आने लगा, वाकई वो तो छन जाता है धीरे धीरे फिर। सब छट गया, छट गया। और मुझे अब लगता बिल्कुल है कि जो आपके टीचर थे उनको भी आपको समझना पड़ेगा कि वो भी एक टाइम में मतलब अब रह गए हैं, अब उनसे भी आगे बढ़ना पड़ेगा, मतलब उनकी भी बिल्कुल चीजें कुछ ठीक नहीं थी, अब हमें उनको भी सुधारना पड़ेगा, उनसे भी आगे निकलना पड़ेगा, तो उनको वाकई भी, हाँ उनको भी अब छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल। नहीं, ये होता है कि शुरुआती दौर में कोई ना कोई किसी ना किसी का तो प्रभाव होता है, फिर धीरे धीरे जैसे छनते जाते हैं। और ये चीज तो खासकर मेरे ख्याल से चाइना में भी होता है कि वहाँ जो मास्टर, ग्रेट मास्टर्स हैं, उनके कॉपी से ही काम शुरू होता है, और फिर 6 महीने साल भर बाद वो सारी चीजें अलग हो जाती हैं। ये सेम सिग्नल काम की है जो प्रॉब्लम आ पहले रही हमने है, कहा। सिग्नल की प्रॉब्लम आ रही है कि आपके यहाँ पर या मेरे यहाँ पर आ रही है? नहीं, मेरे यहाँ तो मैंने लैन से कनेक्ट करके रखा है। ओके सर, अच्छा अगर आप वाईफाई में ये हैं तो वाले कोई काम दिक्कत की। नहीं है, अगर आप मोबाइल डेटा से कनेक्टेड हैं तो थोड़ी तकलीफ हो सकती है। ये कब का काम है? अभी ये नया ही काम है मेरा, ओके ये इसमें प्रपोर्शन थोड़ा सा अलग आ रहा है,
लेकिन ये 4x5 फिट का काम है। ओके। इसमें ले आपके आपके काम में लेयर्स का किस तरीके से आप उसको लेते हैं, कितना महत्व होता है आपके काम में लेयर्स का और बोल्ट पैचेस का? मेरे काम में 20-25 लेयर्स होती हैं, एक ओके। साथ हाँ लेयर्स होती हैं, और मैं वेट ऑन वेट ही काम करता हूँ। हाँ तो हाँ, मेरे को मैं ऑयल पेंट लगाता हूँ, ऑयल कलर लगाता हूँ, और ऑयल कलर में अगर जरा सी भी गलती हुई तो सारा कलर एकदम मट्टी हो जाता है, एकदम गंदा हो जाता बिल्कुल है, कीचड़ जैसा हो जाता है। बिल्कुल। तो मेरा काफी इसके ऊपर अब बहुत रियाज हो गया है, इसके ऊपर बड़ा अधिकार है मेरा। अब ऑयल से मेरी दोस्ती है, वो मेरा कहना हाँ मानता है, वो बिल्कुल, मीडियम मेरा अपना हो गया। वाकई हाँ, 20-25 लेयर वेट ऑन वेट के ऊपर ही होती हैं, गीले के ओके। ऊपर पर दूसरी लेयर लगाना, लेकिन मैं लगाता हूँ इसके ऊपर। जैसे आपके काम में अब हम आगे जब स्लाइड देखेंगे, ये भी पहले का काम होगा ना? ये पहले का काम है, ये 3x6.5 फीट। इसमें तो अगर हम विजुअलाइज ऐसे करने जाएं कि इतनी खूबसूरत धूप पड़ रही है। मैं नहीं पढ़ता, धूप वगैरह से मेरा कुछ लेना देना नहीं है नहीं पर वो इसमें। हम विजुअली जब देखने जाते हैं तो कई सब चीजें हम विजुअली ऐसे हम कनेक्ट करते हैं हाँ, चीजों को। कनेक्ट करते हैं अपने। वे तो जैसे जैसे ये आप बोल रहे हैं कि गीले में आप जब कलर लगाते हैं चीजों को, तो मैं आपने जब पिंक लगाया तो उसके बाद ब्लू लगाने के बाद वो किस तरीके से आप ये करते हैं कि वो उसके साथ मैच ना हो जाए? कितना कितना वो गीला रहता है जब आप काम को ये करते हैं? पहले बहुत थिन लेयर लगानी पड़ती है, फिर उसके ऊपर उससे मोटी लेयर लेयर चलती रहती है। मतलब थिन लेयर से ओके शुरू okay। करते हैं, बहुत ही थिन लेयर। जी ये भी पहले के काम है शायद। मेरी इसलिए आवाज आ रही है? थिन लेयर, ये भी पुराना काम है मेरा अभी। आपका ओके। अच्छा एक एक सवाल है ये कि आर्ट आपके लिए क्या है? देखो, आर्ट जैसे हम पढ़ते थे पहले कि भाई सौंदर्य को हम, ब्यूटी को हम ढूंढते हैं इसके अंदर, लेकिन अब मेरे साथ ऐसा नहीं रहा। अब मैं इसमें अपने आप को ही ढूंढता हूँ, जो मेरे अंदर शाश्वत है, मैं उसकी खोज करने को ही आर्ट बोलता हूँ। ओके okay। उसको आध्यात्म से कितना रिलेट किया जा सकता है? बिल्कुल अध्यात्म है, पेंटिंग्स मेरे लिए बिल्कुल अध्यात्म है। जो देखो, मैं मानता हूँ कि जो भी हम कोई विचार हम अपनी पेंटिंग में पेंट करते हैं, जी विचार हमारे बदलते रहते हैं। आज हम कुछ विचार लेके चल रहे हैं, कल हमारा विचार चेंज चेंज होता है। आज हम जो हैं वो कल नहीं है, तो हमारे विचार चेंज हो जाते हैं। इसलिए मैं इन विचारों को पेंट नहीं करना चाहता, मैं उसको पेंट करना चाहता हूँ जो मेरे अंदर शाश्वत है, जो है ही, जो कभी चेंज होता नहीं। मैं बिल्कुल उसको अपनी पेंटिंग में लाने की कोशिश करता हूँ, और उसे ही मैं आर्ट बोलता हूँ। बिल्कुल। और ये जो फॉर्म्स जो हम देखते हैं वो क्या विजुअल को कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है? जब हम कोई चीज को देखते हैं तो कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड से वो काम के जरिए बाहर आता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये फॉर्म्स ही है जो एक नृत्य है। जब एक अंदर जब हम अंदर हम जब हम डुबकी लगाते हैं अपने अंदर, तो जो खुशी मिलती है उसकी जो डांस है, वो फॉर्म्स है, वो ही ये सब, मतलब एक्सप्लेन यही करती है फॉर्म्स। हमारे अंदर जो शाश्वत है उसको ये फॉर्म्स ही इनर एक्सप्लेन इनर करती है। एनर्जी को। जी जी ये भी पहले के काम है। हाँ, थोड़ा सा पुराना काम है, ओके okay। ये नया वाला काम है, ओके okay। 5x6 फीट ऑयल ऑन कैनवस। ये मैंने 4-5 पेंटिंग बनाई थी कोरोना टाइम में ना, ग्रीन ग्रीन कलर की, ओके okay। सब ग्रीन आ गया था एकदम। राजेंद्र जी आपको कनाडा से हेलो बोल रहे हैं। ओके, थैंक यू राजेंद्र जी। तो ये जो जैसे हम एक काम देखने का
जो एक नज़रिया होता है वो हम एज ए व्यूअर हम जानना चाहेंगे कि जैसे कोई ऐसा अननोन पर्सन जब एग्जीबिशन में जाता है, क्योंकि हमारे चैनल पे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स भी हैं जो आम लोग हैं, मतलब जिनको आर्ट का थोड़ा सा भी ये नहीं है, बट वो लोग देखते हैं, या स्टूडेंट्स ऐसे हैं, तो वो उन लोगों को एक देखने अमूर्तन को देखने का कैसा नजरिया होना चाहिए, आपको क्या लगता है? देखो, पेंटिंग देखने का चाहे अमूर्तन हो चाहे फिगरेटिव हो, तरीका एक ही है। जी पेंटिंग को पूरा एक रूप में देखा जाए। अगर हम पेंटिंग में कुछ देखने लगे, मतलब कोई फिगर देखने लगे या फिर कुछ उसमें ढूंढने लगे, कोई शब्द ढूंढने लगे, कुछ ढूंढने लगे उसके अंदर, कोई पेड़, कोई ट्री, हाथी, जानवर, कुछ भी ढूंढने लगे। जैसे हमें पेंटिंग में कुछ समझ में आया कि ये हाथी बना हुआ है, तो वो जी हाथी को पकड़ लेंगे, मतलब हाथी उनके माइंड में आ जाएगा, सारी पेंटिंग सब खत्म। जो विजुअल लैंग्वेज है वो उसका मायना कुछ नहीं रहा, अब एक वर्ड बिल्कुल, उनके हाथ में आ गया, हाथी। तो आप एकदम एक विजुअल ऑब्जेक्ट जो है, कहते हैं। हाँ, जो विजुअल है वो बंद हो जाएगा। पेंटिंग के सामने खड़े होके सोचना ही नहीं है, कुछ रिलेट नहीं करना किसी भी चीज से, और पेंटिंग को पूरा एक बार में देखना है। एक बार मुझे किसी मेरा एमएफए का इंटरव्यू चल रहा था, तो कुछ बाहर से जूरी में मेंबर थे, उन्होंने किसी एक जूरी मेंबर ने मुझसे पूछा कि पेंटिंग आपकी पेंटिंग में किस कोने में रस है। हाँ तो वो मेरे को स्टूडेंट की लेवल पर ही पूछ रहे थे, लेकिन ओके बात उनकी सही थी। कई बार कई टीचर या फिर कुछ आर्टिस्ट बोलते, ये एरिया आपकी पेंटिंग में अच्छा लग रहा है, ये एरिया आपकी पेंटिंग में अच्छा लग रहा है, ये पेंटिंग में अच्छा लग रहा है। एरिया से बात नहीं बनती, पेंटिंग से वो पूरी है। अगर बिल्कुल पूरी पेंटिंग में मजा आता है तो ठीक है, अगर एरिया में मजा आ रहा है तो वो पेंटिंग है ही नहीं। तो वाकई। तो आपने क्या पेंटिंग जवाब के, दिया था उनको? मैंने कहा सर मेरी पेंटिंग के एक कोने में रस नहीं है, मेरी पूरी पेंटिंग में रस है। वाह, जी सही बात है। ये पेंटिंग, ये वाली पीछे ये जो मेरे है वाली पेंटिंग है। ओके, ये रिसेंट वर्क है, जी 6x6 का। 6x6, हाँ जी। ये इतने बड़े आकार में जब आप काम करते हैं और जब उसको आप छोटे आकार में, तो दोनों में कितना डिफरेंस पाते हैं? हाँ, फर्क तो पड़ता है, बड़े आकार फर्क में प्ले पड़ता करने में ज्यादा मजा आता है। है, फर्क पड़ता है। देखो, जब छोटे आकार में पेंटिंग करते हैं तो सिर्फ यहाँ तक कलाई हिलती हाँ है ना। बिल्कुल थोड़े और बड़े भी जाएंगे तो यहाँ से हिलते हैं बस, ऐसे इतना। जब बड़ी पेंटिंग करते तो यहाँ से हिलता है बिल्कुल, पूरा, वाकई और फिर और बड़ी करते तो पूरा शरीर हिलता है। ये फर्क। वाकई। तो उसको वो प्ले करने में बहुत आनंद आता होगा। जी, मेरा मन तो आसमान पेंट करने का है। क्या वाओ, आसमान कोई पेंट कर दो। अच्छा, ये जो पिछले वाला इमेज है, जैसे इस पे मैं बोलूं कि ये एक लेयर के बाद आपने कुछ कार्विंग भी किया है, या शायद कार्विंग भी उसमें होती से है, कलर और रिमूव मैं किया है, वाइट आउट कलर भी कर आपने? देता हूँ, कलर निकाल देता हूँ। ये पेंटिंग अभी यूएस में है, बिल लूबे गैलरी में। ये बहुत खूबसूरत कलर है। तो राइट। इसमें से रिमूव किया हुआ है या बेस में वो लगाया हुआ है? क्योंकि उसमें जो बीच बीच में से वो झलक के बाहर आ रहा है, वो ऐसा लग रहा है वहां से रिमूव किया हुआ है। रिमूव भी कर देता हूँ, मेरे पास जो टूल्स हैं वो काफी बड़े बड़े टूल्स हैं, हम रिमूव भी कर सकते हैं ना। लेयर लगाने के लिए कई बार ठीक कलर लग गया, उसके ऊपर एक और कलर लगाना है तो नीचे वाले कलर को रिमूव करना पड़ता है। हाँ और कई बार तो हम सोचते हैं जब पेंटिंग बना रहे हैं, पेंटिंग बन ही नहीं रही है, फिर मिटाने की कोशिश करते हैं, चलो खत्म करो पेंटिंग। तो मेरे हाँ पास स्पैचुला है, बड़े बड़े स्पैचुला, इतने बड़े बड़े, उनसे रिमूव करते हैं, तो रिमूव करते करते कई बार पेंटिंग बन ओके जाती है, यार भाई तो खत्म कर दे पेंटिंग और ये बन गई। वाकई। नहीं, ये तो है, क्योंकि वो रिमूव करने से एक अलग जो टेक्सचर आता है, वही कई बार काम को वापस आकर्षित करता है, उसमें वापस काम करने लगते हैं। जी, जैसे मान लीजिए इसमें आपने पिंक लगाया, फिर वो एक टोनल जो वेरिएशन उसमें है, ब्लू शायद ग्रीन है, तो वो बहुत अनुपात आप सारे जैसे लेयर्स लगाते हैं। हैं कि असल में इसके ऊपर बहुत सारी लेयर्स लगी हुई थी, फिर मैंने वो नीचे से ऊपर वाली लेयर्स रिमूव कर दिए हैं, तो नीचे वाला जो हटा दी। पिंक है ना, वो पिंक भी कैनवस से लगा हुआ है, वो नहीं हटा। ओके जो स्टार्टिंग में कलर लगाते हैं वो ओके नहीं ओके हटता,
वो रहता ही है। ओके तो आपका एक जो रूटीन क्या होता है काम का? रूटीन मतलब रोज का काम टाइमिंग। हाँ, रोज का। हाँ देखो मैं टीचर भी हूँ, गवर्नमेंट स्कूल में मैं बच्चों को आर्ट सिखाता हूँ, फाइन आर्ट। 11th 12th के मेरे बच्चे हैं, काफी अच्छा करते हैं वो लोग। ओके और मैं सुबह 8 बजे स्कूल पहुंच जाता हूँ, और सुबह सुबह ही मेरा एक पीरियड होता है फाइन आर्ट के बच्चों के साथ में, और सुबह से ही मेरा मतलब आर्ट होने शुरू हो जाती है। नई नई बच्चे ओके okay. पेंटिंग बना के लेके आते हैं, कॉम्पोजिशन लेके आते हैं उनकी, क्योंकि उनको तो अकेडमी सिखाना होता है, बिल्कुल और उनकी वो सिखाने पड़ते हैं कॉम्पोजिशन, कलर स्कीम, ये सब उनको सिखाते सिखाते जी अपने अंदर भी, और वो भी कुछ बना बना के लेके आते हैं, तो बहुत कुछ उनसे भी सीखने को मिलता है। फिर वाकई। स्कूल मेरा, हाँ स्कूल मेरा 2 बजे खत्म हो जाता है, 3 बजे मैं अपना यहाँ पर मेरा स्टूडियो है उसमें काम शुरू कर देता हूँ, और 10 बजे तक फिर मैं काम करता हूँ। तो घर और स्टूडियो दोनों अलग अलग? हाँ एक साथ है, मेरे ओके घर के ऊपर ही एक स्टूडियो है मेरा, 2 फ्लैट है यहाँ पर, एक में ओके घर है एक में स्टूडियो। वाओ। तो ये जो रेगुलर काम करना वो कितना जरूरी है? हाँ देखो रेगुलर काम करना बहुत जरूरी है, अगर आप रेगुलर काम नहीं करते तो फिर आपके काम में जो स्किल है, जो क्राफ्टमैनशिप है, वो निकल जाती है, फिर जी आपका धीरे धीरे मन करेगा ही नहीं पेंटिंग करने का। रेगुलर नहीं वाकई है तो फिर पेंटिंग डेवलप नहीं हो पाएगी। बिल्कुल हमारे सो टीचर बोलते थे कि अगर आपका मन करे या ना करे, सिर्फ पेंटिंग पे रंग स्ट्रोक्स लगाने शुरू कर दो, हाँ। काम पेंटिंग अपना बनने शुरू जाएगी। नहीं ये तो है, ये तो है, क्योंकि हाँ ये चीज मैंने आपने फील काम किया है शुरू जब। किया मतलब आपकी पेंटिंग खत्म, आपकी वाकई पेंटिंग हो गई, काम शुरू करने में ही पेंटिंग। शुरू हो जाएगा। तो मैं रोज काम करता हूँ, अलग अलग तरीके के मैं काम करता हूँ, ऑयल में, वाटर कलर में, टेम्परा में, ओके okay. स्कल्पचर भी अच्छा, बनाता हूँ। जैसे आपका एक जो रेगुलर जो काम है उसके साथ आप कितना, ऐसा होता है ना कि मन में कभी एक्सपेरिमेंट करने का आया, तो वो उसमें आप कितना इन्वॉल्व होते हैं कि मुझे कुछ और भी करना है, कुछ इंस्टॉलेशन पे काम करना है, कुछ चीजें और करनी है? हाँ देखो अगर आर्टिस्ट को लगता है कि जो उसके पास मीडियम है वो उसकी उसको पूरी तरह से संभाल नहीं पा रहा, या वो बात पूरा नहीं कह पा रहा उसका मीडियम, तो उसको दूसरे मीडियम में आना चाहिए। बिल्कुल अगर कोई कलर्स के बारे में इतना, ये कलर से इतनी बात नहीं कह पाता है, तो वो उसको छोड़कर दूसरे मीडियम में आ सकता है। तो मैं कभी कभी जाता हूँ, जैसे कभी कभी मैं स्कल्पचर बनाता हूँ कंप्यूटर पर, डिजिटल बनाता हूँ, तो कभी कभी ओके वहां नहीं से छोड़ के हम भी आ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। वाकई नहीं होता है, कई बार ऐसा होता है ना कि बहुत सारी चीजें हम देखते हैं, हमें ऐसा लगता है कि चलो थोड़ा सा है ना पेपर कटिंग में हम करके देखते हैं, तो वो तो आर्टिस्ट के ब्लड में होता है चीजों एक्सप्लोर करना, एक्सपेरिमेंट करना, तो वो चीजें बहुत मायने रखते हैं कई बार, एक्सपेरिमेंट के हिसाब से काम करना। ये कब का काम है? हाँ ये मेरा 2018 19 के आसपास का काम ओके है, ये थोड़ा मेरा पुराना ये काम, इस काम बहुत मिनिमल में मैं आ गया था। ओके okay. तो एक एक फ्लैट फ्रेश कलर लगाने के बाद आज आप उसमें रोलर यूज करते हैं ताकि वो जो चीजें हैं वो ब्लर हो जाए और बीच के कुछ फॉर्म्स जो क्लियर हैं पहले की वो भी क्लियर रहें। नहीं पहले वो तो पूरा पूरा अपना एक टेक्निक्स होती तरीका है, मगर है। ओके टेक्निक्स इतनी जरूरी नहीं है, कि टेक्निक्स हमेशा हर बार चेंज होती है मेरे, ओके हाँ हर पेंटिंग्स में अलग अलग टेक्निक से कुछ कुछ होता रहता है। हाँ इसमें कई बार ऐसा लगता है कि स्टिचिंग भी हुआ है, वो देखने से ऐसा फील होता है कि पहले पुराने जमाने हाँ में कांथा सिलते थे ना कपड़े स्टिच करके काट के, तो टेक्निकल इश्यूज की वजह से। जी
ये काम उसी तरह का लग रहा है कि स्टिच करके किया हुआ है, काथा जैसे सिलते थे गांव में। ये कब का काम है? मेरी आवाज आ रही? क्या हुआ है, कलर से निकाला मेरी हुआ आवाज है। आ रही है? ओके आ रही है, आ रही। ये 6x6 फीट का काम था पीछे वाला। वाह, ये भी 6x6 है। ये 5x6 ओके ओके अभी नया नया काम है, मेरे पास ही है। ये थोड़ा पुराना काम है, ये जयसर के पास, उनको मैंने गिफ्ट में दिया था। वो बहुत दिनों से ओके कह रहे थे इमरत ने काम दे काम दे, तो मैंने उनको गिफ्ट में ये वाला काम दिया था। छोटा काम है, 2x3 किनके का। पास है? ओके मिस्टर जय झरोटिया सर, ओके वो लाइंस बहुत खूबसूरत हैं, इतने बारीक लाइंस के हम देखते हैं। जैसे कुछ जैसे लेयर वाइज है ये अलग अलग, तो इसको फॉर्म को डिफाइन करने के लिए आपने जो उसमें मेरे ख्याल से चेक्स करके या फिर कुछ एक फॉर्म, तो स्केल का भी आप इस्तेमाल करते हैं कि आपको रैंडम सिर्फ फॉर्म निकालना है या फ्री हैंड निकालना है उसके लिए? नहीं स्केल का भी कई बार इस्तेमाल होता है, फ्री जी हैंड भी होता है। कोई निश्चित टेक्निक मेरी नहीं है। ओके काफी बड़ी पेंटिंग है, 5x6। ये भी 5x6 है। अभी ये ओके धूमिमल आर्ट गैलरी है ये वाली पेंटिंग। ओके अच्छा, एक जो ये इसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज मैसेज किस बारे में? जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स और जो इस फील्ड में अभी अभी पढ़ के पास आउट होकर आए हैं, उनको गैलरी से किस तरह से अप्रोच करना चाहिए, वह किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, प्रैक्टिस कितनी इम्पॉर्टेंट है, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को व जो साहित्य में जो चीज़ें पढ़नी चाहिए वो कितना इम्पॉर्टेंट है, उस चीज़ को लेके आपका क्या मैसेज है उनके लिए? देखो सबसे जरूरी बात तो ये है, वो हर एक स्टूडेंट्स के लिए क्या, हर एक आर्टिस्ट के लिए है कि हर इंसान भगवान ने अलग बनाया है, बिल्कुल अलग। एक दूसरे से हम लोग मिलते नहीं है। अगर हम अपने आप को ही पेंट करें, अपने आप को ही बनाएं, तो हमारी पेंटिंग दूसरों लोगों से अलग होगी। एक अलग, जो बिल्कुल अलग स्टाइल में, अलग तरीके की पेंटिंग बनेगी। भैया यही है कि जी अपने तरीके की पेंटिंग बनाएं, बिल्कुल अपने आप को पहचाने और वही बनाए जो आप खुद हो। और पेंटिंग की जो आपने बोला गैलरी वगैरह को कैसे अप्रोच करें, इसमें ये है कि अगर आप पेंटिंग्स बनाते हैं, मतलब अगर एक फूल खिलता है और उसकी खुशबू जब फैलती है, तो फिर सुगंध तो सबको पहुंचती है, अपना भी सबको, पहुंच जब बिल्कुल पहुंचने सबको लगती है जाता, और लोग अपना भी उससे जुड़ने लगते हैं आर्ट से। बिल्कुल जैसे आर्टिस्ट को जरूरत है गैलरी की, वैसे गैलरी को जरूरत है आर्टिस्ट की। जब उनको उसकी सुगंध आएगी तो वो अपने आप वाकई ही उसके पास आएंगे। वाकई ये बात बहुत ही खूबसूरत कही आपने कि आप अपने काम में लगे रहें और धीरे धीरे सारे लोग, पेशेंस की बहुत जरूरत होती है इस फील्ड में सारे लोग अपने आप आएंगे। वाकई, क्योंकि नहीं होता है, कई बार ऐसे होता है घर की जिम्मेदारियां, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, लोग फील्ड छोड़कर चले जाते हैं, तो वो बहुत जरूरी है कि आपको एक पेशेंस बनाए रखना फील्ड में, वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये कब के हैं काम? ये भी नए काम है मेरे, कोरोना टाइम में मैंने बनाया 4x5 फिट। अभी ये वाला काम जर्मनी में है, मेरे दोस्त के पास है। ये काम थोड़ा पुराना है, 3x6.5। इसमें तो बिल्कुल एकदम ब्लू कंट्रास्ट में बाहर आ रहा है। हाँ काम में जैसे एक एक पेच आपने उधर लगाया, एक पेच नीचे, तो बैलेंस करना कितना जरूरी होता है कि वो ये अपना रैंडम भी लगे? होता है। पहले तो हमें कोशिश करते थे, पहले तो हम लोग कोशिश करते थे बैलेंस करने की, कलर्स की, ये सब।
अब अपना करने की जरूरत नहीं पड़ती है, सब अपने आप ही होता अपने आप रहता आ जाता है। है। सही, अब तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बस ब्रश उठाओ और शुरू करो, बस काम करते सब रहे। बैलेंस वगैरह सब अपना आप होता है। सही। अच्छा, लास्ट में हम चाहेंगे कि आप चैनल के लिए दो शब्द जरूर बोलें। हाँ, चैनल के लिए ये जो आप हैं गोविंद विश्वास, आपका चैनल है यूट्यूब पर, उसमें आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं लोगों के बारे में, आर्टिस्ट के बारे में, लोगों को बताना और उनकी स्टाइल, उनके उनकी लाइफ लाइफ के बारे में बताना, ये आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मेरा व्यूवर से बहुत अनुरोध है कि इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कंटिन्यू इनके चैनल को देखें, ताकि आप और दूसरे आर्टिस्ट के बारे में भी जाने। हम लोगों को मंदिर जैसे हम जाते हैं वहां पर हमारा सत्संग होता है, वैसे ही जो इस तरह के चैनल है ये भी एक प्रकार का सत्संग है, इससे हम सीखते हैं बहुत कुछ, हमें अंदर हमारे अंदर जानकारी जाती है। बिल्कुल, और मैं चाहूंगा कि जो भी व्यूवर्स देख रहे हो या देखेंगे वो लोग कमेंट जरूर करें कि आप लोगों को बातचीत कैसे लग रही है। बिल्कुल, कमेंट कमेंट्स जरूर दें जो भी उनको पसंद आया या नहीं पसंद आया, ताकि चैनल को और अच्छा बनाया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल, और दूसरा ये होता है कि आप लोगों को जो एक बातचीत का एक जो सार है वो हमें मालूम पड़ता है कि कोई सी ऐसी चीजें हैं, कोई प्रश्न है मन में तो भी आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, तो वो रेगुलर देखते रहते हैं हम। या फिर कुछ ऐसा प्रश्न है जो आपको इनसे पूछना है, और मनोज जोशी जी वो आपको हेलो बोल रहे हैं, तो इस तरह की जो भी चीजें हैं वो कई बार बहुत काम आती हैं। और नॉर्मली ऐसा होता है ना कि जो नॉर्मल लोग होते हैं एग्जीबिशन में जाते हैं, देखते हैं और वो पूछते हैं कैसा लगा एग्जीबिशन, तो वो ऐसा जवाब देते हैं कि आर्टिस्ट ही जाने आर्टिस्ट ने क्या बनाया है। तो ये बातचीत के जरिए हम कोशिश करते हैं कि वो जो सवाल है ना उनके मन से वो चला जाए, उनको भी वो चीजें बिल्कुल समझ में आने लगे कि क्या है क्या नहीं। तो जी, बस इसी के साथ हम बातचीत को यही विराम देते हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद इमराज जी, आपने इतना सारा समय निकाला इस बातचीत के लिए, थैंक यू गोविंद विश्वास जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक और दर्शकों यू, का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतने समय देकर बातचीत को सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।